बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। किसानों के बीते एक माह से आंदोलन के बीच आज एक और बैठक सरकार और किसानों के बीच हुई है। इस बैठक में किसानों ने चार प्रस्ताव रखे थे, जिसमें दो पर सहमति बनी। पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हुई, एमएसपी पर कानून को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं खबर यह है कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है, एमएसपी जारी रहेगी। साथ ही बिजली बिल को लेकर भी सहमति बनने की खबर है। पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हुई है। अब 50-50 के गणित में सरकार चाहती है कि किसान अपना आंदोलन खत्म करें, लेकिन क्या किसान ऐसा करेंगे? चर्चा करेंगे आज, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन टीवी के एडिटर चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत है सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप खबर समझ लीजिए कि आखिर आज दिन भर हुआ क्या, क्योंकि आज की इस बैठक पर नजरें सुबह से सबकी टिकी थी। सातवें दौर की ये चर्चा होने जा रही थी, क्या इस पर रजामंदी होगी? जो किसान ने प्रस्ताव रखे हैं, सम्मान लेगी सरकार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगली तारीख भी बैठक की मुकर्रर कर ली गई है, तो कह सकते हैं चलिए कुछ तो हुआ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से हरीश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा जी हमारे साथ होंगे और रालोद से संतोष यादव जी हमारे साथ। आप सभी मेहमानों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे, सातवें दौर की बातचीत में चार प्रस्तावों पर से दो पर रजामंदी, एमएसपी और कानून वापसी पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी, किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अब मामला 50-50 का हो चला है सर। देखिए, मैं इसको 50-50 तो नहीं कहूंगा जी। जो बात कृषि मंत्री कह रहे थे वो बहुत सरलीकरण हो जाएगा इस बैठक के निष्कर्षों का। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि पूर्व की 6 बैठकों से ये 7वीं बैठक इस बिंदु पर अलग थी कि इस बार तनातनी थोड़ी कम थी। 6 बैठकें तो तनातनी में निकल गई, इधर भी तलखी उधर भी तलखी। ये पहली बैठक है इस माने में जो मुझे संतोष देती है कि तलखी नहीं दिखी। क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानता, और ये तो अभी सरकार भी नहीं जानती और किसान भी नहीं जानते, तो मैं कैसे जान लूं? 4 जनवरी को फिर बैठक है, लेकिन आज कम से कम इतना रहा कि हेड ऑन नहीं हुआ, यानी आमने सामने की टक्कर नहीं थी बैठक। चलो भाई बात करें, कोई रास्ता निकले, कुछ देखें, कुछ करें, ये इस टाइप का जो एक माहौल होता है, भाव होता है, वो था। किसानों का लंगर भी मंत्रियों ने खाया, उसका और महत्व कितना है नहीं है वो तो बात की बात, लेकिन एक जेस्चर तो है। अब आते हैं इसके ठोस आउटकम पर। इसको अगर इन 4 मांगों को हम प्रतिशत में वर्गीकृत करने की कोशिश करें तो मेरी समझ ये कहती है 60% में ये मांग है, 60% वेटेज किसानों के लिए इस मांग का है कि ये कानून वापस हो, 20% या बल्कि कहिए 30% वेटेज इस बात का है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दीजिए, बचे 10%, उसमें 5-5% पराली वाला कानून और बिजली वाला कानून इनका है। वो दोनों मांगे मूलतः एनेक्सर के तौर पर थी, बाद में आलोक जी बोलेंगे तो वो और बेहतर बता पाएंगे क्या है, लेकिन जितनी मेरी समझ है वो एनेक्सर थी। जब भी आप किसी बड़ी लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे प्रमुख मांग के साथ कुछ और सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी होती हैं। राज्य और केंद्र का बजट भी जब आता है तो जो लोग विधायी प्रक्रिया से परिचित हैं वो जानते हैं कि उसमें भी सप्लीमेंट्री डिमांड्स होती हैं, उनका महत्व है लेकिन उतना नहीं जितना मूल मांग का है। इसलिए मैं कहूंगा आज मेरी दृष्टि में सिर्फ इतनी बात समझ आती है मुझे,
आंदोलन जारी रहेगा, 4 को किसान और सरकार फिर बैठेंगे। अब एक टीवी पर शो आता है कि भाई दो गलत जवाब मिटा दो बच्चन साहब का है, तो दो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हट गई, एजेंडा और क्रिस्प हो गया, फोकस्ड हो गया। अब 4 जनवरी की जो बैठक होगी उसमें मुद्दों की भीड़ नहीं होगी, केवल 2 मुद्दे होंगे और 5-6 घंटे होंगे। ये कानून वापस होंगे कि नहीं, एमएसपी पर लिखित गारंटी सरकार देगी कि नहीं, बस। मुझे लगता है आज स्क्रीनिंग हो गई और कोर इशू ही अब बचे हैं जिन पर 4 तारीख को बात होगी। मैं समझता हूं इतना परिणाम आज देश के सामने आया है। आलोक जी, 6 घंटे की 7 घंटे की बैठक से जो नतीजा आया, जो किसान नेताओं ने बताया, जो तोमर साहब ने बताया, उसको किसान यूनियन किस रूप में देख रही है, किस रूप में समझ रही है? जो मेन एजेंडा है, जो मेन मांग है हमारी, कि 3 कृषि बिल वापस हो, एमएसपी पर कानून बने जी, इस पर अभी बात होना बाकी है। तो इस बात को अभी हम 50-50 में नहीं ले जाएंगे, इस बात को अभी हम कहेंगे कि किसानों का 25% समाधान हुआ, 75% अभी बाकी है जी। और आपने कृषि मंत्री जी को सुना होगा, वो बार बार सरकार और कृषि मंत्री बार बार इस बात को न जाने क्यों कहते हैं, बच्चों को भेज दो, महिलाओं को भेज दो, आंदोलन खत्म कर दो, समिति बना लो, इस पर बात होती रहेगी। हमारा देखिए अमिताभ जी, मैंने पहले भी आपके यहाँ डिबेट में कहा था कि ये आंदोलन अब किसान नेताओं के हाथ में नहीं है, इसमें 40-50 संगठन की बात नहीं है, इसमें देश का किसान, इसमें देश का किसान तय करेगा। और देश के किसान की आवाज है ये बिल वापसी होना चाहिए। अगर बिल वापसी नहीं तो ये किसान नेता नहीं कह सकेंगे कि आप घर चले जाओ, ये वहां पर बैठा किसान तय करेगा कि हमें कब घर जाना है। अमिताभ जी, अब ये फैसला किसान करेगा और एमएसपी वहां जो बैठे हुए हैं ना अमिताभ जी, वो अपनी फसल को आधे दाम पे बेच के आए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि जो 1868 में धान बेच के आए हैं, वो लोग ऐसे हैं जो 800-900 में धान बेच के आए हैं, उन्हें उसका दर्द पता है। तो वो कहते हैं कि भैया जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा हम हटने वाले नहीं है, आप बात करते रहो, हम यहाँ पे डटे हुए हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हम तो राजनीतिक दलों से अनुरोध करेंगे कि भाई आओ हमारे लंगर में भी खाओ, आज कृषि मंत्री ने खाया, आप भी आओ खाओ, खुद देखो किसान का, लेकिन आप काम कर दो जी, ठीक। अभी 4 तारीख को भी पूरा समय है, इसके आगे भी जब समय मांगेंगे पूरा समय होगा, लेकिन अमिताभ जी बात एक ही पे होगी, कानून वापसी, एमएसपी पे गारंटीड कानून जी, ठीक बात है। मैं हरीश जी से भी समझूंगा कि सरकार और उनकी पार्टी इस 7वें राउंड की बैठक से क्या समझ रही है, उसका परसेप्शन क्या है। लेकिन एक बात जो आलोक वर्मा कह रहे थे उस पर मुझे एक बात याद आती है, हरीश जी उसके गवाह हैं, ये सच है कि आंदोलनों की शुरुआत तो नेता ही करते हैं, संगठन ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आंदोलन नेता और संगठन दोनों के हाथ से बाहर खड़ा हो जाता है जाके, तब उस आंदोलन का निर्णय उसमें शामिल सामान्य लोग करते हैं। अब हरीश जी कहेंगे भाई मैं इस बात का कैसे गवाह हूं, मैं याद दिलाता हूं, 6 दिसंबर 1992 को मैंने अयोध्या में देखा 3.5-3.5 लाख आदमी मौजूद, संघ परिवार में वाजपेयी जी को छोड़कर छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं था जो देश में और कहीं हो, उस दिन सब अयोध्या में थे। अगर हरीश जी रहे होंगे तो ये गवाही देंगे। ये राय बनी सब में कि भाई ढांचा ना गिरे, क्योंकि ढांचा गिरने का मतलब कल्याण सिंह की सरकार का चला जाना और बवाल हो जाएगा, तो दाएं बाएं कुछ कार सेवा हो जाए और मामला डिस्पर्स हो, लोग घर जाएं। अशोक सिंघल को भेजा गया, कुछ संघ के दक्षिण भारत के पदाधिकारियों को नीचे भेजा गया मचान से कि जाओ भैया समझाओ अपनी अपनी भाषा में,
मंच से सुदर्शन जी, शेषाद्री जी, अंग्रेजी, हिंदी, गुरुमुखी सब में यही अपील कर रहे थे। तो मंच के नीचे नारा लगा हरीश जी, सिंघल जी को घेर लिया लोगों ने। उन्होंने कहा कार सेवा नहीं कराओगे, अब इसके आगे की लाइन में नहीं कहूंगा, शोभनी नहीं क्या। और क्या हुआ, नेताओं के भाषण चलते रहे कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और थोड़ी सी देर में तीनों गुंबद धराशायी हो गए। हरीश जी, सरकार आज की बैठक से क्या नतीजा निकाल पाई है, क्या परसेप्शन उसका बना? जी जी, नहीं देखिए अमिताभ जी, जिस तरह से मैं सरकार तो द डे फर्स्ट प्रारंभ से ही किसान भाइयों की जो मांगे थी उसके प्रति सकारात्मक सरकार का रुख था जी, और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले थे, और उसी का नतीजा एक सातवें दौर की बैठक है। लगातार सरकार किसान संघों के नेताओं को आमंत्रित करती रही, और आज ये जो वार्ता के बाद हमने अपने माननीय कृषि मंत्री जी का तो बयान सुना ही, श्रीमान राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं उनका भी बयान आ रहा था, और उन्होंने ये बात कही कि बातचीत बहुत सकारात्मक माहौल में हुई और हम वार्ता से संतुष्ट हैं, दो मांगे मान ली गई हैं और 4 तारीख को अगली बैठक है। जी, MSP को लेके सरकार का रुख पहले से ही किसान की मांग के संदर्भ में सकारात्मक रहा कि लिखित देने के लिए MSP पे तैयार थे सरकार, और MSP पे अभी भी माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि MSP पे हम चर्चा कर रहे हैं, और जो मांग है किसानों की उसकी तरफ हम 4 को भी चर्चा करेंगे जी। एक कमेटी बनाने की भी बात चर्चा में आई, तो मुझे पूरे ही उम्मीद है कि जो 4 तारीख की बैठक होगी उसमें जो किसान संघों की जो मांग है उसका बहुत कुछ सकारात्मक हल सामने आना चाहिए। आ ही जाना चाहिए, 20 से 21 आ जाएगा 4 तारीख को भैया, अब नहीं आएगा तो फिर कब 22 में आएगा, अब तो आ ही जाना चाहिए, 22 में तो UP का चुनाव भी है। आशीष चतुर्वेदी जी, आज की बैठक का जो निर्णय रहा, दो मांगों पर दोनों पक्षों में सहमति बनी, ये बहुत हिमालयी उपलब्धि नहीं है तो बहुत छोटी उपलब्धि भी नहीं। जहां दोनों पक्षों में इतनी तल्खी आ गई हो वहां अगर दो छोटे छोटे मुद्दों पर भी सहमति बनी तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव नोट पर बैठक खत्म हुई। अब आपको सरकार और किसान इनके बीच की जो रार है ये किस पड़ाव पर खड़ी दिखती है समाजवादी पार्टी को? अमिताभ जी, पहले तो आपको बधाई कि आपने जो आकलन किया था कि अभी जो समस्या है उसका केवल 10% निदान हुआ है, जो बहुत सही आकलन है इस मौजूदा परिस्थिति का, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 4 डिमांड थी और 2 मान ली गई तो आधा सफर तय हो गया है। आधा सफर अभी तय नहीं हुआ है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि जो मेन डिमांड है वो अभी बाकी है, और अब देखना होगा कि क्या सरकार जो है वो एक जिम्मेदार सरकार की तरह निर्णय लेती है और किसानों की बातें मानती है, या अपने हट पे अड़ी रहती है जैसे कि इतने दिनों से अड़ी हुई है। और अभी मैं सुन रहा था कि सरकार ने बहुत से संगठनों को आमंत्रित किया, आपको आमंत्रित करने की आवश्यकता क्या थी? आपके अपने देश के किसान बैठे हुए हैं, आपको जाकर के उनसे बात करनी चाहिए थी। इतने दिन हो गए हैं, बहुत से किसानों ने अपनी जान गंवा दी वहां बैठे बैठे, तो इन चीजों को, परिस्थितियों को मैं समझता हूं कि थोड़ा गैर जिम्मेदार ढंग से देखा गया है सरकार द्वारा। उनको कहीं ना कहीं ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पेश आना चाहिए और जल्द से जल्द, कि और किसानों की जान न जाए, जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकालना चाहिए और अपना हट छोड़ना चाहिए। जी ठीक बात है। जावेद अहमद साहब, कल कुछ किसान नेता शरद पवार से मिले थे जी।
दो किसान नेता, और उसके बाद उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि पवार साहब ने हमसे कहा, हालांकि पवार साहब का उस पर कोई वक्ता भी नहीं आया, लेकिन उन लोगों ने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि भाई शरद पवार ने हमसे कहा कि ये सातवें राउंड की बातचीत देख लेते हैं, अगर आपका हल निकल आए तो अच्छी बात, और नहीं निकलेगा तो हम उसके बाद यूपीए में शामिल सभी घटक दल आपके समर्थन में सड़क पर उतरेंगे, ऐसा किसान नेताओं ने इंप्रेशन दिया कि पवार ने उनसे कहा। जावेद अहमद, कांग्रेस इस सिलसिले में कुछ विचार कर रही है, कुछ चिंतन कर रही है? देखिए अमिताभ जी, शरद पवार जी का तो कोई अधिकृत बयान आया नहीं, और निश्चित रूप से कांग्रेस का नैतिक समर्थन किसानों के साथ है और रहेगा। सरकार ही हर धर्मता पे रही, सरकार गतिरोध को समाप्त करने के लिए गंभीर ही नहीं रही। असल में मुश्किल, एक मिनट बाबू, एक मिनट, असल में मुश्किल क्या है, आप लोग अपनी बात पर तो 30 सेकंड का भी उत्तर नहीं देते और तुरंत आ जाते हो सरकार की हठधर्मता, फिर उस पर चाहते हो कि लंबा बोले। अपना अपना जवाब दो तो दर्शक को समझ पाएगा कांग्रेस के रोल पर। नैतिक समर्थन तो कनाडा के प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, उसका आलोक वर्मा क्या करेंगे नैतिक समर्थन का? भाई नैतिक समर्थन तो अमेरिका के साथ सांसदों ने दिया, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर उससे क्या होगा? जावेद अहमद, मसला यह है, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भाजपा क्या कर रही है उसके लिए तो आलोक वर्मा ही बताने को। हाँ, मैं उसी पे जी बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर ये देखिए अमिताभ जी, किसानों का स्वतंत्र आंदोलन था, उनकी अपनी समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से, और आज जो भारतीय जनता पार्टी धारणा बनाने का प्रयास कर रही थी, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता या किसी अन्य दल का कार्यकर्ता उस किसान आंदोलन में जाता तो किसानों का नुकसान करने का प्रयास ये सरकार करती। इसीलिए हम लोगों ने, ना किसान नेताओं ने हमको आमंत्रित किया, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहे और जागरूकता के लिए हम लगातार हम कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों का कोई भी नुकसान होने पाए। जिस समय किसान संगठन ये आह्वान कर देंगे कि कांग्रेस की आवश्यकता है हमारे आंदोलन को, कांग्रेस पूरी अपनी शक्ति के साथ जावेद भाई के साथ खड़ा होने का। नहीं, अभी आप नैतिक समर्थन दे रहे हो, कांग्रेस इस ठंड में भी ट्वीट कर रही है, ये भी योगदान कम नहीं है आंदोलन के लिए कि कम से कम इस ठंड में ट्वीट तो कर रही है, बड़ा योगदान है इसको भी। अमिताभ जी ट्वीट ही नहीं किया, इसको भी देश हम लोग गांव गांव डगर डगर गली गली 3 दिन की यात्रा रही उत्तर प्रदेश में, क्या किया योगी जी की सरकार ने किसान यात्रा के नाम। जावेद अहमद, हम थर्मामीटर लेके ही घूमते हैं दिन भर, हमको पता है कौन कहां डगर डगर गांव गांव पांव पांव चल रहा है, इसी देश में रहते महाराज, और थोड़ा बहुत संपर्क संबंध भी है लोगों से, हमको पता रहता है। कल अखिलेश यादव ने एक बात कही थी, निश्चित रूप से है वो बात महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें हो सकता है उन्होंने सपा को ना रखा हो साथ में, लेकिन मैं उसको, मैं सपा को भी इंक्लूड कर देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में जो राजनीतिक जमीन है वो इतनी बंजर कभी नहीं रही, विपक्ष की राजनीति में ऐसी शून्यता सच में कभी नहीं आई भारत में, और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज तो छोड़ ही दो, खैर उनका तो 3 लोग से न्यारी मथुरा, उस पर क्या कहूं। कांग्रेस क्या कर रहे हैं आप लोग, रालोद बोली जी नैतिक समर्थन दे रहे हैं, और ट्वीट भी किए थे हमारे नेता ने 4, हर आदमी बता देता हमको। एक उदाहरण देता हूं फिर राष्ट्रीय लोक दल के पास चलूंगा, क्योंकि वो भी सब उसी लाइन में है जो कांग्रेस कर रही है, वो लोक दल कर रहा है, वो तो और छोटी पार्टी है, वो कहेंगे हम 2-4 जिले ज्यादा क्या करें। अयोध्या का आशीष जी सुन लीजिएगा ध्यान से, जावेद अहमद आप भी, आप में और भाजपा में अंतर क्या है, भाजपा क्यों बड़ी पार्टी हो गई, इसको इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, चल तो 500 साल से रहा था, 560 साल से, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बीजेपी ने महसूस किया कि नो नैतिक समर्थन, नो ट्वीट, नो फेसबुक, सीधी लड़ाई,
जमीन पर उतरेंगे, लड़ेंगे, उस वक्त आप जो कांग्रेस के इस वक्त चिंतन है या सपा का जो और रालोद का जो चिंतन है कि भाई हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोगों ने भाजपा में कहा उस वक्त जब पालमपुर में अधिवेशन होने जा रहा था कि नहीं नहीं इसमें हम लोगों को नहीं कूदना चाहिए और दिस हो जाएगा और देट हो जाएगा है, और नैतिक समर्थन रहे और फलाना रहे ढिकाना रहे और ठंड में निकलो नहीं, लेकिन मेजोरिटी निकाल के नहीं सीधा सीधा हो शामिल होंगे। मैं उसमें नहीं जाता कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव अगर महत्वपूर्ण है तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली पार्टी में तो तब्दील हो गई, चूंकि लड़ी जमीन पर, उतरी जमीन पर, संघर्ष किया, जीतने वाली पार्टी हो गई, दो पार्टी से करवट ली, दो सदस्यों से, दो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में, वहां से उसने जुम्बिश ली और आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में 1970 के दौर में कांग्रेस थी। लेकिन आप लोग इतिहास से भी नहीं समझते सीखते, मसला ये। हाँ भैया वर्मा जी, आपको क्या समझ आया और आगे आपकी पार्टी अब क्या करेगी? किसानों को नैतिक समर्थन जैसे अभी दे रहे हैं वैसे रखेंगे या कुछ और चिंतन है पार्टी में? हेलो जी संतोष जी। हेलो अमिताभ जी। जी हम ये कहना चाहते हैं कि हम पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए किसानों के इस आंदोलन का हमेशा समर्थन करते रहेंगे जी। और मेरा ये कहना है कि किसानों द्वारा चुनी हुई सरकार, भारत सरकार, मैं किसी दल की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसानों के द्वारा चुनी हुई ये भारत सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। 35 दिन लग गए भारत सरकार को पॉजिटिव नेचर आने में, किसानों से बात करने में 35 दिन लग गए। ऐसे कड़ाके की ठंड में अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि एक दिन आप रोड पे अपनी रात गुजार दीजिए तो शायद वो तैयार नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार जो भारत सरकार है वो किसानों के दुख दर्द में शामिल नहीं होना चाहती है, वो इनको ठंडक में इतना प्रताड़ित करना चाहती है ताकि किसान आंदोलन किसी तरीके से टूट जाए या कमजोर हो जाए और ये वापस चले जाएं, और जो किसान अपनी मांगे मांग रहे हैं, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो अनैतिक भंडारण का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, तीनों ये गलत कानून है, इससे किसानों को तमाम प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार जो है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए लंबा खींच रही है। ठीक ठीक है यादव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये बातें हम मेरे ख्याल से 18वीं बार इस मंच पर कर रहे हैं एक घंटे वाली बहस में, 18वीं बात। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात कहूं, जो भावभूमि यादव जी ने बनाई, उन्होंने चरण सिंह जी का नाम ले दिया, नहीं लेना चाहिए था इस बहस में नाम, बहुत बड़े व्यक्ति थे, नाम लेने की भी पात्रता होती है। महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस आज ले तो नहीं चलेगा ना, पात्रता खो दी आपने। लोहिया जी का नाम आशीष चतुर्वेदी ले तो जमेगा नहीं, आपने पात्रता खो दी। लोहिया का जीवन दर्शन क्या था? सारी बातें एक तरफ, भाजपा ने क्या किया, कानून काला है गोरा है छोड़ दो, उसके लिए तो अकेले बात करने के लिए आलू गोरमा ही बहुत थे। रालोद ने कहा कि हम चरण सिंह के वारिस हैं, ठीक है, जैविक रूप से चरण सिंह जी बायोलॉजिकल फादर हैं अजीत सिंह जी के, वो उनके सुपुत्र हैं और उनके सुपुत्र जयंत जी, ठीक है, वो लीगेसी तो हमेशा रहेगी बलदियत वाली। लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि 50,000 बढ़िया मोटे कंबल, 200-200 बीघा के फार्म हाउस हैं लोगों के पास पश्चिम में, 200-200 बीघा के 50,000 कंबल ही भिजवा देते तो नैतिक बल आ जाता बात करने का,
कि भाजपा ने ये किया और काला कानून बनाया और गोरा कानून बनाया और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब भाषणों में तब जान आ जाती। ये भाषण आपके किसान को प्रभावित क्यों नहीं कर रहे यादव जी? इसीलिए नहीं कर रहे जी, एक बात सुन, किसान जान रहा कि गाल बजाई हो रही है भैया। एक बात सुन लीजिए, आप कह ठीक है ना, आप मेरी भी बात सुन लीजिए, ठीक है? आ रहे ब्रेक के बाद तो आपकी बात, मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आ रहे ब्रेक के बाद तो आपकी बात जरूर सुनेंगे भैया। बात सातवें दौर की बातचीत पर हो रही है, किसान और सरकार के बीच में इस बातचीत में क्या कुछ निकला और क्या आगे और निकलना बाकी है? सीधे चल रहे अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। आलोक वर्मा, कल राकेश टिकैत ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में विपक्ष इतना कमजोर नहीं होता तो हमको धरने पर बैठने की नौबत नहीं आती। उत्तर प्रदेश और देश में जो विपक्ष है उसने इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या संघर्ष किया जरा बताइए। ट्विटर के अलावा, फेसबुक और ट्विटर के अलावा जी, अमिताभ जी देखिए मैं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत जी ने यह बयान इसलिए कहा कि अगर हमारे यहां विपक्ष ताकतवर होता तो हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। इस आंदोलन का मतलब यह था कि हमें इतना सर्द रातों में ये जो कष्ट किसान को झेलना पड़ रहा है ये दिक्कत नहीं होती। देखिए अमिताभ जी, गलती मानिए या इसको एक देश में सुधार मानिए, इस सरकार को पूर्ण बहुमत से किसानों ने भेजा। किसान इसीलिए आज, किसान इसीलिए अमिताभ जी अपनी बात को मनवाने के लिए अपनी चीज को, अपने पेट और अधिकार को, देखिए अमिताभ जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सरकार को इस चैनल पे बहुत कुछ मिलता है, और फिर कहूंगा कि आपकी बात हो सकता है कि ज्ञान भवन में पहुंच गई। आपने एक बार कहा था कि भाई किसान खाना लेके आए सरकार को खा लेना चाहिए, तो आज तो मंत्रियों ने खाया, अधिकारियों ने खाया, अच्छा लगा जी। बात हम भी चाहते हैं भाई, हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है, हम चाहते हैं कि इसमें बात बीच का कोई रास्ता निकल आए, किसानों के लिए जो कानून है ये वापस हो जाए, एमएसपी गारंटीड हो जाए। अमिताभ जी एक चीज ये बताओ, हर आदमी ये कहता है ये फायदे के लिए, आप ही पूछ लीजिएगा कि जब इस कानून को बनाया गया उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में किसी किसान को नहीं रखा गया, न्यायालय जाने के लिए किसी किसान को बाध्यकारी नहीं किया, मतलब किसी किसान को अधिकार नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो एमएसपी पे सभी लोग कहते हैं कानून नहीं था, आप ये बताओ अगर एमएसपी पे कानून बन जाए तो क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना भाई। 5 रुपए ना पार्ले जी सब कहीं 5 रुपए का मिलता है, तो गांव में जो आप ननकू रज्जाक की बात करते हो तो ननकू और रज्जाक अपना काहे महाराष्ट्र को धान ले जाए, काहे मध्य प्रदेश में ले जाए, उनको कौशाम्बी में, उसको लखनऊ में 1868 मिल जाए, वहीं तौला दे चले आए। तो देखिए अमिताभ जी, पेट की लड़ाई है, इसमें किसी भी प्रकार से किसान हटेगा नहीं। ठीक बात जावेद भाई, एक दृष्टांत मेरे जहन में और आता है। आप लोगों ने एक ओट ली कि भाई किसानों का आंदोलन को भाजपा बदनाम कर देती इसलिए, वरना हमारे दिल में तो जोश बहुत था। एक सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है और इसकी गवाही आलोक से ले लूंगा बाद में, आप लोगों से जवाब ले लूं। इन तीनों कानूनों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई, एक में 12 घंटे हुई, एक में 8 घंटे हुई। मैं बहुत सजग नहीं लेकिन ठीक ठाक सजग पत्रकार हूं, देश में कहीं कुछ बड़ा घटता है तो मेरी निगाह में रहता है। मुझे याद नहीं कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद का तो खैर कोई सदस्य नहीं वहां, लेफ्ट राइट, जेडीयू, जेडीएस, किसी पार्टी ने वहां गदर काटा हो, हंगामा किया हो, कहा हो मैं सदन छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे सदन में रहूंगा नहीं जहां ऐसा कानून पारित हो जाए। सब ठंडे ठंडे बोले और जिस वक्त चर्चा हो रही थी उस वक्त 3 बार तो कोरम पूरा नहीं हो पाया, घंटी बजानी पड़ी। ये तो सजगता थी जावेद अहमद साहब। देखिए अमिताभ जी, अगर इस तरीके के उदाहरण से तो पूरा इतिहास हमारा भरा हुआ जी। क्या सजगता थी, क्यों लॉबी डिवीजन नहीं कराया गया, क्यों ध्वनि मत से पारित कराया गया, जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा था
कि लॉबी डिवीजन करा लीजिए और सरकार ने ध्वनमत से पारित करा लिया। यहाँ पर अमिताभ जी मामला दूसरा है, आलोक जी बैठे हुए हैं, किसान नेता हैं, आपके भी संज्ञान में है, ये भारी बहुमत का अहंकार है। राजीव जी के पास सदन में कितना भारी बहुमत था, अटल जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब टिकैत जी जब दिल्ली में धरने पर बैठ गए तो अटल जी ने कहा कि देश संसद से भी चलेगा और जन भावनाओं से भी चलेगा। ये राजीव गांधी जी से कहा, राजीव गांधी जी ने 12 मंत्रियों का समूह टिकैत जी के पास भेज दिया और टिकैत जी से उसी धरना स्थल पर 12 मंत्री बात करते रहे और जब टिकैत जी संतुष्ट हुए तब वो वापस हुए। ये भी इतिहास आपके संज्ञान में, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पर जन भावनाओं का आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, किसान के साथ कोई आदर पूर्वक व्यवहार नहीं। एक उदाहरण है कि 41 किसान मर गए और प्रधानमंत्री की संवेदना का एक शब्द नहीं बोल पाए, ये देखिए कितना कितनी संवेदनहीनता थी। और आज तो विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री अमर सेन ने भी कहा है, छोड़ो भाई ये किसान कानून जो है, अरे रुको जावेद अहमद, अमर सेन की छोड़ो बात, किसानों का ही, अरे रुको दादा रुक जाओ, अमर सेन को छोड़ो, जाने दो, वो दूसरे लफड़े में फंसे, उनकी जान वहीं फंसी हुई है, पहले उससे निपटने दो, कहां चक्कर पड़ रहे हो। आशीष चतुर्वेदी, मैंने दोबारा से सारी बहस सुनी, मैंने कहा हो सकता मुझसे कुछ चूक हो गई हो, दोबारा से सुन लो, पार्लियामेंट में जो बहस हुई लोकसभा और राज्यसभा में, किसने छाती पीट के कहा कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, सबने धीमी धीमी आवाज में गुड्डी गुड्डी बात की और बवाल काटा, कानून बन गया। जब किसान नहीं जागे थे, आंदोलन करने नहीं आए थे, तब जो लोग जिन पार्टियों के प्रतिनिधि संसद में थे, क्या उन पार्टियों ने फिर ये फैसला किया कि गलत कानून संख्या के जोर पर बना है, इसके खिलाफ हम देश में आवाज उठाएंगे? सब लोग तो सो ही रहे थे, जब किसान आए और हम लोगों ने उनको दिखाना शुरू किया तब ना थोड़ा बहुत ट्विटर पर हलचल हुई। आशीष चतुर्वेदी, अमिताभ जी, मैं समझता हूँ सारे ही विपक्ष ने जो है वहाँ पे इसको उठाया, लेकिन जैसा कि कहा गया कि ध्वनिमत से जब पास ही कर दिया गया और क्योंकि संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी है, आप प्रश्न प्रश्न को घुमा गए, मेरा प्रश्न ये है नहीं पास होना, ध्वनिमत हो कोई मत हो, पास तो होता था, मैं कह रहा हूँ आप लोग बोले नहीं जो बोलना चाहिए था भाई, गुडी गुडी बात की, जलेबी सी बनाई और बवाल काटा, तीन बार तो कोरम नहीं हुआ लोकसभा में, जितना वहां बोलने था वहां तो बोले, वहां तो बोले, अरे नहीं बोले तो, अमिताभ जी हम तो उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे थे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, हमारे जब हमने उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया तो हमारे जिला अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के साथ 70 लोगों को पुलिस ने 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया। मसला ये नहीं कि जब किसानों ने धरना 11 लड़कों को 40 दिन के लिए जेल में डाल दिया, शुरू किए थे तो जब आप किसान जब विपक्ष को आप आवाज नहीं उठाने देंगे, जेल में डालेंगे, वहीं किसानों को चिंतित करके पुलिस द्वारा घर में नजरबंद किया जा रहा है, उनपे मुकदमे हो रहे हैं, तो कैसे विपक्ष सड़क पे आएगा? जब आता है तो उनको तो कितनी बेरहमी से पीटा जाता है, इसके वीडियो सोशल मीडिया पे सब जगह अवेलेबल है। घर में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, मुकदमे से बचे रहेंगे और पुलिस से भी बचे रहेंगे, घर में रहिए, जरूरी नहीं है राजनीति कर लीजिए, जब मौसम ठीक हो तो राजनीति कर लीजिए, अभी घर में रहिए, विपक्ष को उसकी आवाज ही नहीं उठाने दे रहे, जेल में ही डाल रहे हैं। भाई ठीक है, हम तो मान लिए, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाई उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, हम कहां कह रहे जेल जाओ, हम तो कह रहे जेल से बचो, अपने घर में रहो शांति से। संतोष यादव जी, मसला वही, नहीं नहीं देखिए समाजवादी पार्टी में कोई डरता नहीं है, आए दिन जितनी बार होता है हम लोग फिर सड़क पे आते हैं, फिर जेल जाते हैं। ठीक 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 संतोष जी, मसला वही, पार्लियामेंट में ये बिल जब आया जी तो चेतना नहीं जागी कि ये बिल खतरनाक है या अच्छा है, जो लोग बार बार ये कह के बचना चाहते हैं कि ध्वनिमत, अरे हम कह रहे ध्वनिमत नहीं, पेपर बैलेट करा लेते, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भी छोड़ो तो भी रिजल्ट सबको पता है, परिणाम पर बहस ही नहीं कर रहा मैं, हाउस में
परिणाम तो पहले से पता होता है, सरकार के पास बहुमत है तभी सरकार में है। लेकिन मेरा मसला ये, वहां सदन दोनों सदनों में जो धारदार विपक्ष विरोध होना चाहिए था वो क्यों नहीं चेतना जागी यादव जी, जो अब जाग रही है? बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, देखो ये राकेश टिकैत जी ने जो कहा है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर एक सशक्त विपक्ष होता तो शायद किसानों को इस ठंडक में धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती जी। मेरा तो यह कहना है कि विपक्ष सशक्त हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है, जो सरकार में है उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कानून जनता को लाभ नहीं दे सकते हैं, जो जनता के खिलाफ हैं, जो किसान कानून किसानों के खिलाफ हैं, उनको पारित करने के पहले किसानों से कम किसान संगठनों से एक बार वार्ता करनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं किया, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और आज जब ऐसी ठंडक कड़क ठंड में वो रोड पे बैठे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे बैठा करने नहीं जाते हैं, वो गुजरात जाएंगे, केरल जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, ठीक। लेकिन जो किसान अपनी मांग के लिए ठंडक में रोड पर बैठे हैं उनसे वार्ता करने के लिए उनके पास समय नहीं है, तो मेरा यह कहना है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो किसानों से वार्ता करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास तो तब भी और तमाम सरकारी काम भी होते हैं, जो बिल्कुल खाली हैं घर में हैं वही नहीं एक्टिव दिख रहे मुझे, जो बिल्कुल खाली हैं, टीवी देखना है, ट्विटर देखना है, वो भी नहीं दिख रहे। पूछो तो कहते पुलिस नहीं मारेगी, निकलेंगे तो ऐसी सलाह दे रहे, बताओ है पुलिस बंद कर देगी, ठंड कितनी है? ऐसे तो राजनीति नहीं होती ना, ऐसे राजनीति नहीं होती। पर चरण सिंह और लोहिया का नाम मत लीजिए, जवाहरलाल नेहरू 16 साल जेल रहे और लोग हमको समझा रहे कि जेल नहीं डाल देंगे, मुकदमा नहीं कर देगा सीजीएम की अदालत में, ऐसी ठंड में बताइए, ऐसे तो नहीं होता। खैर हरीश जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं, 2021 शुरू हो जाएगा 4 जनवरी को, नए साल के चौथे दिन वार्ता होगी, आप भी जानते हो, इसलिए बात को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहां पर कि ऐसा और वैसा गोल गोल जलेबी नहीं, सीधी बात करें, बर्फी की तरह जलेबी नहीं बनाए। मूल मांग है दो, एमएसपी को वैधानिक जामा पहनाइए, यानी एमएसपी से कम कोई खरीदे तो जेल जाए, और इन कानूनों को वापस लीजिए। इन दो मसलों पर 4 तारीख को देश को खुशखबरी मिल जाएगी। मैं तो यह कह रहा, या तो आप इनको संतुष्ट कर दो किसानों को, ये हंसते मुस्कुराते निकले तो भी मुझे मंजूर, या आप इनसे संतुष्ट हो जाओ, इनकी बात मान लो, लेकिन 4 को ये खींचो चाप मिटे संदेह, 4 को ये बवाल काटो भाई। हरीश जी, अमिताभ जी जी, पहले तो एक मिनट में सभी मित्रों की बात का जवाब दे दूं, किसान बिल को लेकर के, और फिर मैं इस पे आता हूं जी। 2005 में स्वामीनाथन कमीशन नियुक्त हुआ, उसमें बहुत सारे मेंबर थे, किसान संघों के प्रतिनिधि थे, मुझे याद है चौधरी किशन वीर भारतीय किसान समाज के अध्यक्ष, वो भी उसमें सदस्य थे, अतुल अंजान कम्युनिस्ट पार्टी को भी उसमें सदस्य थे, और बहुत सारे लोग रहे होंगे, मैं कब नाम याद है जी। और वो लंबी चर्चाएं हुई, विभिन्न प्रदेशों में गया, और उनकी रिकमेंडेशन मार्केट खोलने को लेकर के है, उस रिकमेंडेशन पे भी तमाम सारी चर्चा हुई। जब कांग्रेस की सरकार आई मनमोहन सिंह की, उसमें भी चर्चा हुई, शरद पवार और ये सारे लोगों ने उस पर चर्चा की, और फिर भी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ जी। जब मोदी जी की सरकार आई तो उस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर नीति आयोग ने लंबी चर्चा की, और किसान संघों के, देश भर के किसान संघों के प्रतिनिधि बुलाए गए, मंडियों के व्यापारी बुलाए गए, ठीक, पल्लेदार यूनियन के लोग बुलाए गए, ठीक, और राकेश टिकैत जी भी उसमें थे, और उन्होंने भी अपनी सहमति बनाई थी, तब ये किसान कानून आया था। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि साहब किसानों से पूछा नहीं गया,
यह निरंतर निहायत गलत है। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री, दूसरी बात प्रधानमंत्री जी, दूसरी बात सब अब तक ये मांग करते थे कि स्वामीनाथन कमीशन लागू हो, और जब वो कानून के रूप में आया तो ये विरोध। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, जो सवाल आपने किया, देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जनवरी को सकारात्मक परिणाम आएंगे। एमएसपी पे माननीय कृषि मंत्री जी ने पहले ही कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, जो किसान संघों की मांग है इसको वैधानिक स्वरूप दिए जाने का। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उस पे कोई न कोई स्वीकृति बननी चाहिए, और किसानों की सहमति, जो इनका आंदोलन है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 तारीख को जो वार्ता माननीय कृषि मंत्री जी और पीयूष गोयल जी या जो लोग भी उससे वार्ताकार होंगे सरकार की तरफ से, उस पर सहमति बन जानी चाहिए, ऐसा मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि यह सरकार किसानों के खुशहाली और समृद्धि के लिए मोदी जी का संकल्प है, उसको लेके काम कर रहे हैं, और जब से 2014 से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से जो भी कार्यक्रम और नीतियां बनी है, किसान, गरीब, मजदूर, इनके केंद्र में रख करके बनी है, इनकी खुशहाली और समृद्धि को केंद्र में रख बनी। ठीक है। आलोक वर्मा, 4 को किसान, मेरे देश का किसान मुस्कुराते हुए गांव की ओर प्रस्थान करेगा कि नहीं? अमिताभ जी, आपने बहुत कठिन प्रश्न कर दिया है जी। हम आपको पहले बता दिए कि देश का किसान अपनी पेट की, मतलब मांग नहीं कह सकते, मांग तो बहुत लज्जित शब्द है, मांग नहीं, अपने अधिकार के लिए बैठा हुआ है। उसको अधिकार उसका सरकार जितनी जल्दी दे दे, हम कहते 4 को नहीं, वो 1 तारीख को दे दे, नए साल के उपलक्ष्य में दे दे, हंसते हुए हम चले जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को अमिताभ जी लेके जाएंगे जी। चलिए सर, संपादकीय टिप्पणी प्लीज। जावेद भाई ने, आशीष जी ने, वर्मा साहब ने ये बताया कि हम क्या कर सकते थे, जितना स्पेस था उसमें कर ही रहे जितना कर सकते हैं। मैं एक हिमालयन उदाहरण सामने रख देता हूं ताकि देश को पता लगे कि वस्तु स्थिति क्या है। इस देश में जवाहरलाल जी से लेके और एनडीए की सरकार तक सर्वाधिक प्रचंड बहुमत किसी एक बार किसी पार्टी को मिला तो वो राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस को मिला, इंदिरा जी की मृत्यु के बाद, शहादत के बाद। 400 प्लस जो अब चिंतन में भी नहीं आ सकता दलों के, पाना तो छोड़ दीजिए, चिंतन में भी नहीं आ सकता। वो सरकार सदन में थी, लोकसभा में, 400 प्लस मेंबर, गांधी परिवार का बेटा सरकार का मुखिया, बोफोर्स कांड की गूंज हुई, जिनेबा रेडियो ने एक रपट प्रकाशित प्रसारित की, उसके बाद चित्रा सुब्रमण्यम ने एक आलेख लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और उसके बाद चिंगारी फूटी, देशभर में हंगामा हुआ। उस वक्त भी विपक्षी कह सकता था कि हम क्या कर लेंगे हंगामा करके, 400 से ज्यादा सांसद हैं तो ठंडे में घर में बैठे, कम से कम रजाई तो है, लोकसभा नहीं चली, राज्यसभा नहीं चली, सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का ऐलान किया, आशीष जी सुन लीजिए, काम आएगा आगे, आप लोगों को अभी लंबी राजनीति करनी है। जेपीसी बन गई, वी शंकरानंद की चेयरमैनशिप में जेपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसने बोफोर्स पर रिपोर्ट दी। अब शंकरानंद जी कांग्रेस के आदमी थे तो उन्होंने वैसी रिपोर्ट बना दी, वो रिपोर्ट जिस दिन सदन में टेबल की गई लोकसभा में, हरीश जी अब सोचिए, जब 410-12 इन्हीं के थे तो बाकी विपक्ष कितना रहा होगा, मुट्ठी भर सोच लो, है ना, आज उससे तो बहुत ज्यादा है। सारे विपक्ष के सबकी टेबल पर एक एक कॉपी रखी जाती है, उनके कॉपी को फाड़ा और सदन में, और 3 बजे पार्लियामेंट तो एडजर्न हो गई, हंगामा हो गया, 3 बजे विपक्ष ने संयुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया लोकसभा से,
उस घटना ने राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार को अस्थिर कर दिया और अंततः उस सरकार वो सरकार का क्या हुआ ये इतिहास में दर्ज है। इसलिए जो लोग मुझे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बताइए मैं निकलूं तो सिपाही पकड़ लेता है, मैं हाउस में बोलूं तो वो ध्वनिमत से करा देते हैं। 200 से ज्यादा विपक्ष है लोकसभा में, मोर देन 200 मेंबर्स। इसलिए अपनी पीठ ऐसे मत थपथपाइए। अगर आप ये उस पाले में खड़े हैं कि ये कानून खराब है, अगर आपका चिंतन वो है तो उसके साथ प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। भाजपा मानती है कि वो कानून अच्छे है तो वो उसके लिए प्रतिबद्धता तो दिखाती है हर स्तर पर। बाद में फैसला किसान करेगा। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को सरकारों के फैसलों का जो भी राजनीतिक फॉलोआउट होता है, पॉलिटिकल फॉलोआउट, वो राजनीतिक दल पर होता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रमुख मानता हूं। सरकार के यश अपयश का राजनीतिक वो असर पार्टी पर पड़ेगा। मुझे लगता है ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसान और सरकार में ठन गई। नहीं, जो भाव आज दिखा वो भाव प्रिवेल करना चाहिए, कंटिन्यूएशन में करना चाहिए। और कुछ सच्चाइयां हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लाख बहस करो अनंत काल तक, मेरे जैसा आदमी तो उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता चाहे कोई पार्टी कुछ बोले। भाई हरीश जी, एक बात आपको बताता हूं, इसको परिवार में उठाइएगा, संघ परिवार में भी ये चीजें जाते नीचे जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस नहीं बोल रही कि सपा नहीं बोल रही, वो अलहदा विषय है, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा। आपको वोट कांग्रेस तो देती नहीं, इसलिए उसके बोलने न बोलने उसको बहुत आपका लाभ हानि नहीं। ओ इंटरनेट पर जाइए, एमेजोन है क्या है, अमेजॉन क्या है, जो भी है, है? जो सामान की वो करती है घरेलू डिलीवरी इंटरनेट पर बुकिंग पर, उसमें जाओ हरीश जी अभी घर जाके आओ, है? नहीं तो बच्चे दिखा देंगे आपको, निखिल से कहिएगा वो ढूंढ देगा। उसमें मक्के का आटा डालो सर्च में, क्या मक्के का आटा 400 रुपया किलो बता रहा है, कितना 400 रुपया किलो। क्या मुझे ये अनुमति है कि मैं आलोक से पूछ लूं कि मक्का कितने रुपया कुंटल बिक रहा है? मतलब कुछ सीमा रहेगी कहीं की नहीं रहेगी देश में? कैसे 400 रुपया किलो बिक रहा है? आलोक क्या है एमएसपी मक्के का, या बाजार में रेट क्या है बताओ? मुझे नहीं लगता, मैं जानता नहीं कि, मुझे नहीं लगता 2000 से पार होगा 100 किलो का। तमाशा है, तमाशा है, और सब खामोश, ना इनको समझ ना आपको चिंता। मुश्किल तो ये है, ना इनको समझ ना आपको चिंता कि एमेजॉन पर भैया ये कौन जादूगर है जो 400 रुपया किलो आटा बेच रहा है इस देश में मक्के का। एक पैकेट आता है, शायद आप लोग भी ग्रहण करते हो नाश्ते में, कॉर्न फ्लेक्स आता है ना, मक्के को भून के कूट लो वो कॉर्न फ्लेक्स है, ठीक है ये ना हरीश जी है? उसका रेट जरा पता कर लीजिए। और थिकनेस पैदा करने के लिए कॉर्न फ्लोर आता है, एक कस्टर्ड जैसा डिब्बा होता है इतना बड़ा, क्या वो भी यही बवाल है? मक्के कोई प्रोसेस करके बनता है,
जरा उसका रेट पता कर लीजिए। चिप्स का तो मैं कह ही नहीं रहा, चिप्स का तो मैं 1000 बार उदाहरण दे चुका। इसकी चिंता कांग्रेस को नहीं, भाजपा को नहीं, सपा को नहीं, रालोद को नहीं, किसी को नहीं। मेरी चिंता यही है, मैं 400 रुपए किलो मक्के के आटे के पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। अगर वह किसान से 300 रुपया किलो मक्का खरीदी जाने लगे, मैं पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। एक बार किसान को 300 रुपया मक्के का एक किलो का मिल गया अगर, तो एक साल में सरकार कुछ करे नहीं करे, कोई कुछ मदद करे नहीं करे, भारत का हर किसान चार पहिए गाड़ी पर चलने लगेगा। एक ही साल दिला दो, यही करा दो भैया, यही करा दो। एक आलू के चिप्स का पैकेट 20 रुपया में, जिसमें गिन के 12-15 चिप्स बाकी हवा, उस रेट से तो आलू 200 रुपया किलो खरीदना चाहिए फिर किसान से। और आज आलू 8 रुपया 10 रुपया ज्यादा कहीं है ही नहीं मंडी में, खरीद कर जो किसान बेच रहा है, कुछ सोचेगा कि नहीं सोचेगा? या अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चलाओगे सब लोग? और हर आदमी ये कहता है कि किसानों की चिंता हमें बहुत है। किस बात की चिंता कर रहे हो भाई, ये तो बताओ, कहां चिंता कर रहे हो? किस कम कक्ष में बैठे हो आप जहां देश दुनिया की खबर ही नहीं आपको? बिल्कुल, आई वाज शॉक्ड आशीष बाबू जब मैंने देखा। कुछ सोच सकता है इस देश में इतनी लूट? मक्के कहां था 400 रुपया किलो, ठंड में मक्के की रोटी भी नहीं खा पाए आदमी। हम बियर कर लेंगे, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन उस बढ़े हुए मूल्य का लाभ मेरे किसान को मिलना चाहिए। बिल्कुल, वो मिले तो हम इस कुर्बानी के लिए तैयार। चिप्स का पैकेट डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसान से आलू 30 रुपया किलो खरीदो। 30 रुपया किलो आलू जिस दिन किसान से खरीद लिया मंडी में, उस दिन किसी सरकार की, किसी कलेक्टर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। किसान हमारे और आशीष के और यादव जी और जावेद अहमद और हरीश श्रीवास्तव के बगल में आग खड़ा हो जाएगा, वो भी चरपैया गाड़ी से। कर तो दो एक बार, ये लूट का तंत्र बंद होना चाहिए, ये अच्छा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कृषि उत्पादनों पर, बाजार पर सरकार का नियंत्रण रहना चाहिए, नहीं तो ऐसी ही समस्या पैदा होगी। कोई 500 रुपया किलो बाजरा बेचने लगेगा, कोई अंग्रेजी में 4 शब्द लिख के रागी का और कोदो का आटा 500 रुपया और 700 रुपया बेचने लगेगा। ये क्या है रागी बाजरा ज्वार, ये क्या है हरीश जी? आज से 20 साल पहले हिंदुस्तान में इसको मोटा अनाज कहते थे और जानवर खाते थे। इन विषयों पे आप लोग चिंतन नहीं करते कभी, खाली टाइम में भी चिंतन नहीं करते। हम आप लोगों के नए आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं मैं जी। इन मूल विषयों पर चिंतन ना करते हुए भी आप लोग सच में कितने आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। ताल ठोक रहे हैं मैदान में है, लेकिन ये चिंतन का विषय नहीं। पॉपकॉर्न का पैकेट आता है, कच्चे पॉपकॉर्न का, वो खुद बनाओ घर में कुकर में, है इतना बड़ा पैकेट हरीश जी जिसमें इतने होते हैं, है 70 रुपए का है, छोटा वाला 35 का है, जिसमें आधी मुट्ठी मक्का नहीं। कभी आप लोग देखते हो इन चीजों को? नहीं देखते हो? मेरा निवेदन है इन चीजों को देखिए जी। बाजार को हम इस कदर अनियंत्रित नहीं कर दे कि किसान के हाथ कुछ आए नहीं और उपभोक्ता जो है देश का वो भी लुट जाए। यानी ना इधर लाभ ना उधर लाभ, बीच में 1% लोग धनाढ्य हो गए,
ये मूल चिंता है मेरी, इस पर चिंतन करिए तो किसान को राहत होगी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंतजार कीजिए नए साल का, क्योंकि 4 जनवरी को होगी अगली बैठक, और उम्मीद ये नया साल किसानों के लिए बेहतर हो और उनकी तमाम परेशानियों का हल हो। महापंचायत में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 TV के साथ।